नमस्कार दोस्तों, और सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप चाहें तो जेंट्स स्वेटर में डालिए या लेडीज स्वेटर में डालिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए, किसी भी प्रोजेक्ट में ये बहुत ही सुंदर लगेगा और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे डिज़ाइन अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे बहुत ही हमें संबल मिलता है, नया डिज़ाइन क्रिएट करने का प्रेरणा मिलती है। तो फ्रेंड, लाइक बटन ज़रूर दबा दिया करें। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए 4 के मल्टीपल फंदे लें और 3 फंदा एक्स्ट्रा ले लें तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। ऐसे 4-4 करके गिनेंगे तो लास्ट में 3 फंदा एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद ये पहला लाइन है, तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, फिर उन दूसरी ओर करेंगे और 1 फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, फिर चौथा फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, चौथा फंदा सीधा, और लास्ट में 3 फंदे बचेंगे जिन्हें हम 2 उल्टा बना लेंगे और लास्ट फंदा सीधा। बीच में हम 3-3 उल्टा बना रहे हैं, लेकिन दोनों साइड में हम 2-2 उल्टा बनाएंगे। तो सेकेंड रो और रॉन्ग साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या उल्टा बुन लेंगे, फिर 2 फंदे सीधा, 1 फंदा उल्टा। यहाँ पे हमने 3 फंदा सीधा बुना था, तो रॉन्ग साइड से यहाँ पे हमने 3 फंदा उल्टा बुना था, तो रॉन्ग साइड से 3 फंदा सीधा हो जाएगा। तो 3 फंदा सीधा और 1 फंदा सीधा है, तो ये 1 फंदा उल्टा। तो 3 फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा, लास्ट में 2 फंदा सीधा आएगा। शुरू में भी 2 फंदे सीधे थे और लास्ट में भी 2 फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा। थर्ड रो और फ्रंट साइड, थर्ड रो फर्स्ट रो की तरह ही बनाया जाएगा, पहला फंदा सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर अब साइड में 2-2 फंदे रहेंगे और बीच में 3 फंदा रहेगा, तो 3 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा और लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, तो 2 फंदा उल्टा रहेगा और आखिरी फंदा सीधा। रॉन्ग साइड से जैसे हमें जो दिखाई दे रहा है उसे वैसा ही बुन लेंगे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा और 3 फंदा सीधा। जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुन लेंगे और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुन लेंगे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, फ्रेंड्स इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, पहला फंदा सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा और ये सीधी लाइन जो गई है उसे 4 लाइन तक हम उधारेंगे, 2 हुआ, 3 और 4। उसके बाद ये जो फंदा दिखाई दे रहा है इसमें हम सिलाई डालेंगे और 3 सीधा फंदा बना लेंगे, 1, उन अपनी ओर करेंगे और फिर इसी में सिलाई डालेंगे और 1 और सीधा फंदा। यहाँ पे हमने
फंदे को 4 लाइन तक उधाड़ा है और फिर नीचे फंदे में सिलाई डाल के एक फंदे से 3 फंदा बनाया है। फिर उन आगे करेंगे और 3 उल्टे फंदे जो दिखाई दे रहे हैं इन्हें उल्टा बुन लेंगे। फिर उन दूसरी ओर करेंगे, ये जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है इसे 4 लाइन तक उधेड़ेंगे, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद इस फंदे में सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और फिर इसी में सिलाई डालेंगे और एक और सीधा फंदा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदे से 3 फंदा बनाया। फिर उन अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा उल्टा। फिर से देखिए, उन दूसरी ओर करेंगे, ये सीधा फंदा जो दिखाई दे रहा है उसे 4 लाइन तक उधेड़ेंगे, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद दिखाई दे रहा है फंदे में सिलाई डालेंगे और एक फंदे से 3 फंदा बनाएंगे। एक सीधा फंदा बना लिया, उन अपनी ओर करेंगे और फिर इसी फंदे में एक और सीधा फंदा, एक से हमने 3 फंदा बना लिया। अब उन अपनी ओर करेंगे, लास्ट में 3 फंदा दिखाई दे रहा है तो 2 फंदा उल्टा बुन लेंगे और लास्ट फंदा सीधा। 6th रो और रॉन्ग साइड फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, आपकी पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या उल्टा बुन लेंगे, अगला फंदा सीधा। फिर उन अपनी ओर करेंगे, फिर इस फंदे को सिलाई में उतारेंगे और ये जो हमने 1 से 3 फंदा किया था इसे हम सीधा कर लेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हम 2 का 1 कर रहे हैं, 1 से 3 किया था तो 2 फंदे बढ़ गए थे, अब हमें इस लाइन में 2 फंदे घटाने हैं तो इसे 2 फंदों को एक कर लिया, अगला फंदा उल्टा और फिर 2 फंदे हैं तो ये 1 से 3 किया गया फंदा है तो इसे और 3 सीधे फंदों में से एक ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमारे 2 फंदे कट गए। फिर उन दूसरी ओर करेंगे, 1 फंदा सीधा। उन अपनी ओर करेंगे, सीधे वाले फंदे को दाहिनी सिलाई में ले लेंगे और ये 1 से 3 किए गए फंदे को ऐसे घुमा लेंगे। फिर दोनों फंदों को एक साथ लेंगे, बाएं सिलाई में हमने दोनों फंदों को ले लिया और उसके बाद दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे, अगला फंदा उल्टा। फिर नेक्स्ट ये 1 से 3 किया गया फंदा है इसे और ये सीधा फंदा में से एक फंदा लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे, अगला फंदा सीधा। फिर उन अपनी ओर करेंगे, सीधे वाले फंदे को दाहिने सिलाई में लेंगे और 1 से 3 किए गए फंदे को दाहिने सिलाई में लेंगे और इसे ऐसे घुमा देंगे, पलट देंगे। फिर दोनों फंदों को बाएं सिलाई में लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे, अगला फंदा उल्टा। फिर ये 1 से 3 किया गया फंदे और ये सीधे फंदों में से एक फंदा, दोनों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए इसे उल्टा बना लेंगे। यहाँ पे हमने 5 फंदे को 3 कर लिया, यानी 2 फंदा घट गया। अब 2 फंदा बचा है जिसमें से एक को सीधा बुन लेंगे और लास्ट फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब फिर हम अपना पहले से 4th सिलाई दोहराएंगे, यानी पहला फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 3 फंदा उल्टा, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 3 फंदा उल्टा।
फिर एक फंदा सीधा और लास्ट में तीन फंदे रहेंगे तो उसमें से दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा। आठवीं लाइन में हम अपने दूसरे लाइन को दोहराएंगे, एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और लास्ट में तीन फंदे रहेंगे तो दो फंदा सीधा और आखिरी फंदा उल्टा। फिर इन्हीं दोनों लाइनों को हम फिर एक बार रिपीट करेंगे तो मैं बुन के दिखाती हूँ। ग्यारहवीं लाइन और सामने से ये चार लाइन कंप्लीट हो चुके हैं तो अब फिर ग्यारहवीं लाइन में डिज़ाइन बनेगा। पहला फंदा सीधा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा और ये सीधी लाइन जो गई है उन दूसरी ओर करेंगे और इसे चार लाइन तक उधाड़ेंगे, एक दो तीन और चार, चार लाइन नीचे उधाड़ेंगे, सिलाई सामने से इस फंदे में डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और इसी फंदे में एक और सीधा फंदा बना लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, उन दूसरी ओर करेंगे और सीधे फंदे को चार लाइन तक उधरेंगे, दो तीन और चार। देखिए यहाँ पे चार धागे दिखाई दे रहे हैं। अब सिलाई को सामने की तरफ से इस फंदे में डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और फिर इसी फंदे में एक और सीधा फंदा। तो यहाँ पे हमने एक फंदे से तीन फंदा कर लिया। फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन उल्टे फंदे, एक दो तीन, और सीधे फंदे को उन दूसरी तरफ करेंगे, सीधे फंदे को चार लाइन तक उधेड़ेंगे, एक दो तीन और चार, और फिर इसमें सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा अपनी ओर करेंगे और फिर इसी फंदे में एक और सीधा फंदा, और लास्ट में तीन फंदे बचेंगे तो उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा और आखिरी फंदा सीधा। ट्वेल्थ रो और रॉन्ग साइड, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा सीधा, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, उन अपनी ओर करेंगे, सीधे वाले फंदे को दाहिनी सिलाई में ले लेंगे और एक से तीन किए गए फंदे में से ये इस तीसरा फंदा है इसको ऐसे पलट देंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर देखिए एक से तीन किए गए फंदे में से फंदा है तो इसको और सीधे फंदे में से एक फंदा, दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमने दो फंदे का एक किया, एक फंदा इधर घट गया और एक फंदा इस साइड में घट गया, यानी पांच फंदों में से तीन फंदा रह गया। फिर उन दूसरी ओर करेंगे, एक फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, सीधा वाला फंदा दाहिने सिलाई में चढ़ाएंगे, अगले फंदे को ऐसे घुमा लेंगे, फिर दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे, एक से तीन किए गए फंदे को ऐसे चेंज कर लेंगे और फिर इसको ऐसे पलट देंगे, अब ये फंदा ऊपर आ जाएगा, फिर दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे,
नेक्स्ट में दो फंदे बचेंगे, एक सीधा और लास्ट फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स, छह लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं छह लाइनों को हमें दोहराते रहना है। देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, छह लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं छह लाइन को दोहराएंगे तो ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। ये सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। फ्रेंड्स, डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, एक बार इसे अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई ज़रूर करिए। तो डिज़ाइन आपके सामने है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने स्वेटर पे बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।